तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स हिज क्लाइंट्स डिस्कस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सेक्शन 11 ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स प्रोवाइड्स फॉर द ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स हिज क्लाइंट्स। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स का जो सेक्शन 11 है वो ये बताता है कि एक एडवोकेट की उसके क्लाइंट्स के प्रति क्या ड्यूटीज होंगी। अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड्स हिज क्लाइंट। सो बार काउंसिल रूल्स के अकॉर्डिंग ये कुछ निम्नलिखित ड्यूटीज हैं एक एडवोकेट की उसके क्लाइंट के प्रति। नंबर वन, एन एडवोकेट शैल एट द कमेंसमेंट ऑफ हिज एंगेजमेंट एंड ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस देयर ऑफ। एक एडवोकेट कमेंसमेंट के दौरान अपनी एंगेजमेंट के या फिर उस एंगेजमेंट को कंटिन्यू करने के दौरान मेक ऑल सच फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर्स टू हिज क्लाइंट। अपने क्लाइंट को वो सभी बातें बताएगा रिलेटिंग टू हिज कनेक्शन विद द पार्टीज, जो केस की पार्टीज हैं उनसे कनेक्शन के बारे में होंगी। लाइक अगर कोई सामने वाली पार्टी रिलेटेड है या कनेक्टेड है किसी भी मैनर में एडवोकेट के साथ, तो वो एडवोकेट अपने क्लाइंट को उस बारे में इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट ड्यूटी है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट। ये एक एडवोकेट की ड्यूटी होगी फेयरलेसली टू अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट। अपने जो क्लाइंट है उसका जो इंटरेस्ट है उसको वो अपहोल्ड करेगा फेयरलेसली। लाइक पहले तो वो जो इंगेजमेंट कर रहा है अपने क्लाइंट के साथ जिस भी बारे में कर रहा है, तो उस इंटरेस्ट को वो एडवोकेट अपहोल्ड करेगा, मींस किसी से बिना डरे ही उस इंटरेस्ट के लिए फाइट करेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ बाय ऑल फेयर एंड अनऑनरेबल मींस, सभी सही और सही माध्यम से। नेक्स्ट ड्यूटी है, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्ट नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमिट अ ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन। एक एडवोकेट ना तो खुद से या फिर किसी और के द्वारा कमिट करेगा क्या एक ऑब्लिगेशन का ब्रीच। ऑब्लिगेशन मतलब वो ऑब्लिगेशन जो इम्पोज किए गए हैं सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 20 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग इम्पोज किए गए हैं एडवोकेट पे, उसमें से किसी भी ऑब्लिगेशन को ब्रीच नहीं करेगा। जैसे कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना या फिर मॉडिफाई करना फोर्ज करना एविडेंस को इस तरह से। नेक्स्ट ड्यूटी है, एन एडवोकेट शैल नॉट, एक एडवोकेट नहीं करेगा एट एनी टाइम किसी भी समय बी अ पार्टी, वो नहीं होगा एक पार्टी टू फाइनेंसिंग ऑफ लिटिगेशन, जो भी लिटिगेशन चल रही है उसके लिए फंड प्रोवाइड नहीं करेगा। लेट्स सपोज एडवोकेट की जो क्लाइंट है वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो एडवोकेट उसके खर्चे को जो भी उसके एक्सपेंसेस होंगे अपनी जेब से नहीं पे करेगा। ओके नेक्स्ट ड्यूटी है, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्ट, एक एडवोकेट एक्ट नहीं करेगा ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट। किसी के भी इंस्ट्रक्शन पर अगर वो उसके क्लाइंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन नहीं है तो, और हिज ऑथराइज्ड एजेंट या फिर उसके क्लाइंट ने किसी एजेंट को ऑथराइज किया है, तो उसके अलावा किसी के भी इंस्ट्रक्शन पर एडवोकेट एक्ट नहीं करेगा। लास्ट है, एन एडवोकेट शैल नॉट स्टिपुलेट फॉर अ फी contingent to the result of litigation। एक advocate accept नहीं करेगा क्या एक fees को जो contingent होगी किसी litigation के result पर, और agree to share the proceeds thereof या फिर जो उसे proceeds मिलेगी उसको share करने के लिए भी agree नहीं होगा। Let's suppose कोई insurance claim है, तो एक advocate अपने client से ये deal नहीं कर सकता कि आपका insurance claim वो अगर आपको दिला देता है तो उसका कुछ percent of share एडवोकेट की फीस हो गई, या फिर अगर उसे कोई फीस मिलती है तो वो किसी से ये कमिट नहीं करेगा कि इस फीस का जो इतना 10